हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज फिर एक और नया मैसेज लेकर आई हूँ डिवाइन का। मैं देखेंगे डिवाइन ने क्या होल्ड करके रखा है आप लोगों के लिए, क्या नया जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जिसके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिएगा, जो रेजोनेट ना हो जाने दीजिएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ लोगों के नाम शाउट आउट करना चाहती हूँ मैं, जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। उपेंद्र दूधम जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। डिवाइन का कोई मैसेज आपके लिए है तो मैं आपको बता दूँगी क्या मैसेज है डिवाइन का आपके लिए। उपेंद्र दूधम जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। ओके, तो देखिए आपको जो है अपने लाइफ में ना हर एक हिस्से में पार्टिसिपेशन देना है, किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटना है, किसी भी चीज़ से डरना नहीं है आपको। हर चीज़ के लिए आपको अवेलेबल रहना है और हर चीज़ में अपना इनिशिएट देना है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ में आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप पीछे हट जाएंगे, ठीक है। ये मैसेज डिवाइन का आपका आपके लिए है। हर चीज़ में आपको अब अपना इनिशिएट देना है, ठीक है। कस्तूरी पाटिल जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। कोई मैसेज डिवाइन का आपके लिए हो तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। कंपैरिजन, ओके, देखिए कस्तूरी जी, कंपैरिजन मत कीजिए अपना किसी और से। देखिए ये जो है ना बैम्बू ट्री है और ये है एक नॉर्मल ट्री है। तो बैम्बू जो होता है बहुत ब्यूटीफुल ट्री होता है, उसका प्रोडक्ट जो भी बनता है वो बहुत एक्सक्लूसिव होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है ना। और ये जो है ये पेड़ नॉर्मल है, इसकी कोई भी चीज़ बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में बनती है। जो भी चीज़ें बनती हैं बहुत अफोर्डेबल होती हैं। बैम्बू का छोटे छोटे प्लांट्स भी होते हैं जो उनको डेकोरेशन पर्पसली और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक लक के पर्पसली यूज़ करते हैं, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आप जो हैं बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ज़्यादा साधारण सा व्यक्तित्व है आपका, बहुत सीधे साधे इंसान हो सकते हैं, सीधी साधी लाइफ हो सकती है आपकी। लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा हो सकता है। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, जो सीधे साधे लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं ना, वहाँ पे अपनी चौधराई करने लोग बहुत से दूसरे चले आते हैं, उनको बहुत कम्फर्टेबल फील होता है। तो आप अपना कंपैरिजन मत कीजिए। आप अगर डिफरेंट हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आप डिफरेंट हैं। क्योंकि 100 गधों के बीच में जब एक घोड़ा जन्म लेता है ना तो गधों को बड़ी तकलीफ होने लगती है, क्यों, आपका रंग रूप देख करके, ठीक है, आपकी क्वालिटीज़ को देख करके। तो आप गधों के साथ अपना कंपैरिजन ना करें, ठीक है। ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं और ईश्वर के साथ आप जाइए। एंजल्स जो हैं हर वक्त आपके साथ हैं, आपके आसपास हैं, वो आपको सही रास्ते पर ले जा रहे हैं, आप वहीं पर जाइए, ठीक है। ये मैसेज आपके लिए थे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जिसके साथ जितना रेजोनेट हो प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। ज़बरदस्ती मत थोपिएगा अपने ऊपर, ठीक है, ओके। देखते हैं आज डिवाइन ने क्या होल्ड करके रखा है आप लोगों के लिए, क्या बताना चाहता है डिवाइन आपको, पूरा यूनिवर्स क्या कहना चाहता है आपसे, आज हम ये देखेंगे। ओके, द चैरिट कार्ड, वेरी गुड। मेजर अरकाना के कार्ड हैं, चैरिट है, बहुत खुशी की बात है। किंग ऑफ पेंटेकल्स, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे हम, थोड़े से कार्ड्स लेंगे। फाइव ऑफ पेंटेकल्स, कहानी देख लेते हैं पूरी, एक्चुअली चल क्या रही है।
कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि कुछ लोगों को देखो जलन तो बहुत है आपसे, जलने वालों की तो कोई कमी नहीं है आपकी आपसे, और दुश्मन भी आपके कुछ कम नहीं है, एक तो नहीं है अनेक हैं। मतलब आपके भाग्य में ईश्वर ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, जो आग लग जाती है लोगों को देखकर ही, है ना, कुछ तो ऐसा है यहाँ पे। ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड, तो थर्ड पार्टी आ गई है यहाँ पे। थर्ड पार्टी को बहुत खुजली है, बहुत बहुत खुजली है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकती भाई। जब इंसान खुद काबिल नहीं होता है किसी चीज़ के ना, तो वो ब्लेम दूसरों को करता है। जो इंसान अपने साथ किसी को रख नहीं सकता, और जब अपना ही सिक्का खोटा होता है ना, तो दूसरों को ब्लेम करते हैं कि इस लड़की की वजह से, इस लड़के की वजह से, या ऐसा कुछ हो गया है। ठीक है, ये जो कार्ड है ये थोड़ा ऐसे आया था टेढ़ा सा, तो अब मैं समझ नहीं पा रही कैसे लूँ। टू ऑफ स्वॉर्ड है तो उल्टा ही लेंगे, उल्टा आया था तो उल्टा ही लेंगे। यूजुअली मैं उल्टे कार्ड्स लेती नहीं हूँ क्योंकि उनका कुछ सेंस नहीं है, बट लेंगे हम, क्योंकि मीनिंग थोड़ा सा तो डिफरेंट हो जाता है। इतने कार्ड नहीं लेंगे हम। चीज़ें जितने लोगों को दूसरों के पास दिखाई देती हैं ना, एक्चुअली में उतना कुछ होता नहीं है सामने वाले के पास, लेकिन दूसरों को कुछ ज़्यादा ही दिखाई देता है। जैसे होता है ना, दूसरे की थाली में ज़्यादा पकवान दिखाई देते हैं, कुछ वैसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। चलो नियारा कार्ड तो खुद ले लेंगे। एट ऑफ पेंटकल्स, तो देखिए यहाँ पे ना एनर्जी आ रही है किसी पर्सन की, जो कि शायद अपनी जो भी घर की सिचुएशन है या जो भी चीज़ें हैं उनसे फेड अप हो चुका है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, और मे बी ये आपका कोई पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी के साथ ही बंदा पर्सन जो भी है इन्वॉल्व्ड है आपकी लाइफ में, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिगिंग करने की कोशिश कर रहा है। इसको अब जाके इस टाइम पर इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि ये कौन सी दिशा में मुड़ गया। अब इसको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि ये बहुत गलत जगह पे मुड़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें कुछ मुझे ठीक नहीं बैठ रही हैं। ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, इसने ना किसी अच्छी चीज़ के लालच में एक बहुत ही गलत डिसीज़न लिया अपनी लाइफ का, और अब ये वहाँ पर जा कर के बैठ गया है जहाँ पर इसके लिए कोई भी बंदा इसको समझ नहीं पा रहा है। इसके घर के लोग हैं, इसकी लाइफ में परेशानी भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं, और जो भी मेहनत 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 स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा है, ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा हैं, अननेसेसरी के झगड़े बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पे द एम्प्रेस की पोजीशन में कोई आई है लेडी, जो कि ऑफ कोर्स ये पर्सन जो है मैरिड है, और यहाँ पे एक और लेडी आई है, तो ये कौन है, ये इसकी माँ हो सकती है। और ये बंदा ना डिसीज़न लेने के लिए पागल हो चुका है। अब इसको अपना पास्ट याद आ रहा है जो कि ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, ये ऑलरेडी ख़त्म कर चुका है। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी आई है कि इस बंदे के अब घर में किसी के साथ नहीं बन रहे हैं रिश्ते, ठीक नहीं हैं, इसकी लाइफ में ये वाली सिचुएशन आ गई है, इसका पैसा भी चला गया है, इसका रिलेशन भी ख़राब हो गए हैं, किसी पे विश्वास नहीं रह गया है इसको, ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं इसे, और अब ये इसको ना हेल्थ इश्यूज़ भी अब स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं, और थर्ड पार्टी तो है ही यहाँ पर, तो जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ भी रिश्ते बहुत ज़्यादा क्रीपी हैं, वो जो भी थर्ड पार्टी है वो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है, उसको कोई लेना देना नहीं है किसी के सुख से, किसी के दुख से, किसी की प्रॉब्लम से, किसी के हेल्थ इश्यूज से। इसको सिर्फ ये लेना देना है कि जो कुछ भी है वो सब मेरा है, इसका भी छीन कर मेरा है, उसका भी छीन कर मेरा है, और जो चीज़ मेरी नहीं है तो किसी थर्ड पर्सन के ऊपर, किसी अननोन पर्सन के ऊपर कुछ प्रोजेक्शन कर दो, उसके साथ कुछ गलत कर दो, या किसी के साथ कोई हादसा कर दो, क्राइम कर दो, और बस दैट्स ऑल। बस मुझे मेरा सुख मिलना चाहिए, मेरी शांति मिलनी चाहिए, बाकी किसी के साथ कुछ भी होता रहे। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए ये रीडिंग आई है, तो आप ना एक बहुत ही ऑलरेडी एक हायर पोजीशन पर हैं, अपनी अथॉरिटी से नीचे मत गिरिएगा।
ठीक है, अपनी अथॉरिटी से नीचे मत गिरिएगा। आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में पोजीशन पर हैं, एक रेपुटेटिव पोजीशन पर हैं, और यहाँ पे हर किसी को ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अभी एक बहुत ही अलग ही लेवल पर, एक अलग ही दुनिया में चले गए हैं। यहाँ तक पहुँचना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है, सिर्फ आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भी पर्सन है, एक ये बंदा जो है, ये वाला, ये आपसे कंपैरिजन कर रहा है अपना, इसको ये जगह चाहिए। ये जो बंदा है इसको ये वाली जगह चाहिए। इस पोजीशन पर आप हैं, ये पोजीशन आप इसको कभी मत दीजिएगा, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए कभी भी लॉयल नहीं रहेगा। ठीक है, ये समय देखकर गिरगिट की तरह रंग बदलता है, ये ऐसा इंसान है। यहाँ ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी भी है। कन्फ्यूजन इसको बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब कन्फ्यूजन से ये बाहर निकल चुका है। इसको क्लियर हो गया है कि इसको जो कुछ भी मिल सकता है वो आपसे मिल सकता है, कहीं और से इसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कार्ड क्योंकि ऐसा आया था सजेस्टिव, तो थोड़ा थोड़ा ये सोचता है, लेकिन अभी जो है ऐसा आया तो हम ऐसा ही लेंगे। कन्फ्यूजन इसकी क्लियर हो गई है, इसको बात समझ में आ गई है कि अब आपके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं इसके पास। तो ये आएगा ज़रूर आपके पास, लेकिन कौन सा मुंह लेकर आए इसको क्या बोल सकती हूँ मैं। ठीक है, ये एनर्जी आई है 8 of Cups की, यानी कि इतना कुछ करने के बाद इसको जिस चीज़ के लिए इसने आपको धोखा दिया होगा या जो कुछ भी किया इसने, वो सब इसके पास है, लेकिन मिलकर भी इसको नहीं मिला। यानी कि अपनी मंजिल के बिल्कुल पास पहुँचने के बाद ना इसको ये चीज़ फील हुई। कुछ लोग होते हैं जिनको तृष्णाओं की भूख होती है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और उसके बाद किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पर ये चीज़ आई है। ठीक है, यहाँ पर आया है कि उसको वैल्यू किसी भी चीज़ की नहीं है, लेकिन उसको चाहिए सब कुछ। पहले भी ये यही सब चीज़ें कर चुका है, और अब भी ये हर चीज़ जो कि इसके पास उससे मूव ऑन कर रहा है, कुछ सब कुछ मिलकर भी इसको कुछ मिल नहीं पाएगा, ये फिर बीच में ही फंसा रह जाएगा, ये धक्के खाएगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ एनर्जी आई है। डिवाइन के मैसेजेस में से कुछ लेंगे कि एक्चुअली चाह क्या रहा है ये अब, क्योंकि जब ये ऑलरेडी अगर कि, और देखो ये ना पर्सन बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि ये मैरिड है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि ये पर्सन मैरिड है, या फिर ये फिजिकली इन्वॉल्व है किसी के साथ, जो भी थर्ड पार्टी है, और वो अब इसको छोड़ने वाली तो नहीं है इतनी आसानी से। ठीक है, तो डिवाइन का मैसेज लेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है। टर्निंग इन, आपको कहा जा रहा है कि बाहर जो है आपके ऊपर बहुत सारी प्रोजेक्शंस चल रही हैं, तो जितना हो सके अपने ध्यान को अंदर लेकर जाइए, बाहर की तरफ ध्यान मत दीजिए, ध्यान को अंदर लेकर जाइए, मेडिटेशन कीजिए। देखिए ये लड़की जो है ध्यान में बैठी हुई है, और उसके आसपास कितने सारे भूत प्रेत और पिशाच बैठे हुए हैं जो कि इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसी पोजीशन में हैं, आप अपनी धुन में और अपनी ही दुनिया में हैं, ईश्वर की दुनिया में, और आप अपने काम में मस्त और मगन है, लेकिन लोग आपके ऊपर मगन हैं, लोगों का फुल फोकस आपके ऊपर है। और क्या षड्यंत्र रच सकते हैं, कैसे मरवा सकते हैं, क्या क्राइम करवा सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं कांड, फिर अपनी बारी के लिए तैयार हो जाना। द मास्टर, यहाँ पर ये कहा गया है कि यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ, आप अपने ज़िंदगी के मास्टर खुद हैं, ईश्वर ने आपको ठहराया है। दूसरों को चौधराई करने के लिए ईश्वर ने नहीं भेजा है यहाँ पर, कि किसी के भाग्य के साथ छेड़छाड़ करें आप, किसी की ज़िंदगी के साथ छेड़छाड़ करें आप, किसी के भाग्य में से अपना टुकड़ा लेकर खाएं आप, ये चीज़ें ईश्वर ने नहीं दी हैं किसी को भी। ठीक है, तो यहाँ ये एनर्जी आ रही है, सारी चीज़ें सब कुछ ईश्वर ने आपके हाथ में दे दिया है, अब इसे जैसे चाहें वैसे ड्राइव करें आप। ठीक है, ये सभी चीज़ें आ रही हैं। कॉन्शियसनेस, आपको कहा गया है कि आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते रहिए, अपने इंट्यूशंस पर बिलीव कीजिए, क्योंकि आपके इंट्यूशंस आपसे जो भी कह रही हैं वो बिल्कुल सही और सच कह रही हैं, क्योंकि जो भी आपके इंट्यूशंस आपसे बोलेंगी ना, वो सब चीज़ें एकदम सही होंगी। जो भी डिसीज़न आपको लेना है, अपने मन की, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिएगा, वही चीज़ें आपके जीवन में आपको सर्व करेंगी, नहीं तो सर्व नहीं करेंगी। करेज, तो देखो आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा करेज है,
आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है, इतना स्ट्रगल किया है कि आपने अपने लिए इतना मतलब स्ट्रगल कर चुके हैं, आपके पत्थर में से भी फूल निकल आया है और देखो इसमें से दिव्य रोशनी भी निकल रही है। आपकी मेहनत को एक्चुअली सबने देखा है। ये जो हराम का टुकड़ा खाने वाले लोग हैं ना, इन हरामियों को भी पता है कि इतनी मेहनत वो कभी नहीं कर सकते, इसीलिए सारे हरामी आपके पीछे लगे हुए हैं कि कोई ऐसा मौका मिल जाए कि हराम का टुकड़ा खा सकें, छीना झपटे कर सकें, है ना? क्योंकि हराम का टुकड़ा सबको खाना है, मेहनत करना मुश्किल काम है, चोरी चटारी करना, मैनिपुलेशन करना, कॉन्स्पिरेसी करना, बकवास करना, बुली करना, हैरेसमेंट करना, जादू टोने करना, ये आसान काम है। भले ही बाद में भगवान भी ले लेता है बहुत अच्छे से इनकी, लेकिन वो अलग एक चीज़ है कि फिर भी ये लोग कोशिश तो कर रहे हैं ना। फ्लावरिंग, तो आपके जीवन में जो है अब सब चीज़ें आपकी मेहनत के ऊपर ईश्वर ऐसे ही पानी डाल रहा है, जैसे पौधे को पानी की ज़रूरत होती है और वो आगे फलता फूलता है और बढ़ता है ना, बिल्कुल ऐसे ही चीज़ें आपके भाग्य में हो रही हैं, आपके लिए हो रही हैं, आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। अब आप जिस भी चीज़ में, जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो सब फलेंगे फूलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जितना हो सके आप इस समय को यूज़ कीजिए, ये समय आपके लिए बहुत लकी है, आपकी हर एक चीज़ में बढ़ोतरी ही होगी। क्लिंगिंग टू द पास्ट, आपको कहा जा रहा है पास्ट को थोड़ा पीछे छोड़ दीजिए, चिपटे मत रहिए उसके साथ, और जो भी चीज़ें हैं जो सर्व नहीं करती आपको पीछे छोड़ दीजिए उनको, वो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हैं, वो चीज़ें दूसरों के लिए बनी हैं। जितना हो सके अपने लिए सोचें, अपने बारे में सोचें, अपने लिए करें। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपका और ईश्वर अपनी एग्जिस्टेंस को अब दिखाएगा आपको, आपको आपके भाग्य का, आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, ठीक है? जो भी चीज़ों के लिए आपने स्ट्रगल किया है वो स्ट्रगल अब आपको पे करने वाला है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके लिए थी। एंजल के मैसेजेस में से ले लेते हैं, एंजल गाइडेंस क्या कह रही है आपके लिए। एक मैसेज काफ़ी देर से झांक रहा है जो कि मैं बोलना चाहती थी। न्यू बिगनिंग, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई नई चीज़ आपके लिए आ रही है, खुद चलकर आपके पास आएगी। देखिए जब भाग्य देता है तो भाग्य खुद चलकर आपके पास आता है, ठीक है? जब भाग्य आता है तो भाग्य खुद चलकर आपके पास आता है, तो कोई ना कोई नई बिगनिंग, कोई ना कोई नई शुरुआत, नए सिरे से चीज़ें होंगी, नया जन्म होगा, एक नया उदय होगा, ऐसी कोई एनर्जी आपके लिए आ रही है, ठीक है? ऐसी कोई एनर्जी आपके लिए आ रही है। सेल्फ लव, तो देखिए आपको कहा जा रहा है सेल्फ लव कीजिए। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ फुली एंड अनकंडीशनली, तो आपको अपने आप को प्यार करना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है। कोई कमी होगी अगर आप में, कोई चीज़ है तो पैसा कमाइए, उस कमी को दूर कीजिए। बहुत ज़्यादा शेखी बघारने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कुछ लोग स्टेज पर बोलते हैं ना अपनी कमियों को देखकर, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो, मेरे अंदर तो बहुत कमियाँ हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी, ऐसा कुछ नहीं है। किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ऑफकोर्स सारी ज़िंदगी उसको ये तकलीफ़ रहेगी ही। अगर आप उस तकलीफ़ को कम कर सकते हैं तो पैसा कमाइए और अपनी तकलीफ़ों को कम कीजिए, ठीक है? और सेल्फ लव कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए अपने आप को, और जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपने आप के बारे में सोचिए। जितना हो सके थोड़ा सा सेल्फिश भी बनिए, क्योंकि दूसरों के लिए तो बहुत कुछ करके देख लिया, अब अपने बारे में करिए, अब अपने बारे में सोचिए, ठीक है? एंजल्स को बहुत कुछ कहना है भाई, और उनको बहुत जल्दी भी है। एनर्जी, ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी, ट्रांसफॉर्म योर वर्ल्ड, अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कीजिए, घटिया लोगों से दूर हो जाइए, घटिया लोगों से दूर रहिए, चीज़ें आपके फेवर में होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप तब तक तरक्की नहीं करते जब तक आप गलत माहौल में होते हैं, गलत लोगों के बीच में होते हैं। जब आप गलत लोगों के बीच में से निकल कर किसी सही जगह पर पहुँच जाते हैं, आप तरक्की करना शुरू कर देते हैं, चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हो जाती हैं, ठीक है? ऐसी एनर्जी आपके लिए आ रही है। फ्रीडम, आई एम फ्री टू बी माई सेल्फ एंड लीव माई लाइफ ऑथेंटिकली, तो देखिए आपको जो है ना फ्रीडम दे दिया है ईश्वर ने, अब आप फ्री हैं हर चीज़ से, हर तरह के कार्मिक साइकिल और जितने भी कॉर्ड्स आपके ऊपर सबने लगाए हुए थे, सबके आप सब लोग आपके सर के ऊपर जब बैठे हुए थे ना, उन सभी लोगों से आपको छुटकारा दे दिया गया है। अब आप अपनी बिगनिंग को, अपने फ्रीडम को जैसे चाहे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अपनी लाइफ को बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से जियो,
और अच्छे तरीके से आगे बढ़ो। ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, आई एम कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एंड इन्वॉल्विंग इन टू माई बेस्ट सेल्फ। तो आप कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है आपकी, धीरे धीरे होगी, विश्वास रखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। अपने लिए कीजिए जो भी करना है, दूसरों के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे कभी भी खुश नहीं होंगे, उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ हराम का टुकड़ा खाना है। हरामियों को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है आपको। फॉरगिविंग अदर्स, तो जो भी हैं घटिया लोग उनको माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए। इस जहर का कटोरा आपको पीने की ज़रूरत नहीं। जब तक आप जहर अपने अंदर रखते हैं आपको भी तकलीफ होती है, बीपी हाई होता है, डाउन होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। उन चीज़ों को दूर कीजिए अपने आप से। आई फॉरगिव अदर्स एंड रिलीज ऑल रिसेंटमेंट, तो रिलीज़ कीजिए अपने आप को और आगे बढ़िए, हल्का कीजिए खुद को। वो पतंग कभी भी ऊपर नहीं उड़ती है जो बहुत ज़्यादा हैवी होती है, हल्की पतंगें जो होती हैं केवल वही उड़ती हैं, भारी भारी पतंगे नहीं उड़ पाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स लेना चाहती हूँ चैनल डेक में से। ठीक है, या मैं शफल कर लेती हूँ थोड़े से कार्ड्स को, लेकिन एक कार्ड जो है खुद से गिर गया है और एक कार्ड आगे तैयार बैठा है। यहाँ पे है यू आर एन अर्थ एंजल। ठीक है, तो आप जो हैं एक अर्थ एंजल हो सकती हैं, ईश्वर ने आपको चुना है इस चीज़ के लिए। यू हर्ट मी, तो यहाँ कोई बोलना चाहता है यू हर्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है, खुद पर मत लीजिएगा। जो अपने कुकृत्य को एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो दूसरों को ब्लेम करते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी आपके लिए आई है। डोंट वरी, गॉड इज़ ऑलवेज ऑन टाइम, गॉड इज़ ऑलवेज ऑन टाइम। तो आपको कहा जा रहा है कि चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ईश्वर जो है आपके साथ हैं और हर एक चीज़ आपके फेवर में होगी। ठीक है, डोंट वरी, गॉड इज़ ऑलवेज ऑन टाइम, तो भगवान जो है बिल्कुल समय पर हैं और सही समय पर आपके लिए चीज़ें कर देंगे। इट्स डेंजरस टू हैव जेलस पीपल अराउंड यू, दे टुक यू अ कॉम्पिटिशन वाइल यू लुक एट देम एज फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये चीज़ भी बोली जा रही है कि ऐसे लोगों के बीच रहना जो आपसे बहुत हैविली जेलस हैं, मुझे लगता है आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। आपने उनको फैमिली मेम्बर की तरह लिया, बट वो लोग आपको एक फ्रेंड कॉम्पिटिशन की तरह लेते हैं। ना तो वो दोस्त हैं आपके, ना आपके फैमिली मेम्बर हैं, वो क्या हैं, वो गिरे हुए लोग हैं। रिलैक्स, योर लव ऑलरेडी योर्स, एवरीथिंग इज़ रनिंग राइट ऑन शेड्यूल। तो जो आपका है वो आपका ही रहेगा, आपके भाग्य का आपसे कोई छीन नहीं पाएगा, बट मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज हैं। सही समय पर ना मिले कोई चीज़ तो ऑफकोर्स कोई ना कोई छीन ही लेगा। थोड़े से मुझे भी हो गए ट्रस्ट इश्यूज। वाइब ऑफ द डे, यू आर वॉकिंग इन टू वन ऑफ द बेस्ट वीक ऑफ योर लाइफ, गेट रेडी फॉर इट। तो वाइब आपके लिए हैं, वाइब ऑफ द डे, आप जो हैं अब सबसे बेहतरीन हफ्तों में अपने प्रवेश करने वाले हैं। आपके लिए चीज़ें कुछ बहुत बड़ा चेंज लेकर आने वाली हैं, आपको कहा जा रहा है रेडी हो जाइए इन चीज़ों के लिए। मनी इज फ्लोइंग टू मी फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, तो अब हर दिशा से आपके पास पैसा ही पैसा आएगा, चारों ओर से आपके जीवन में पैसा ही पैसा आने वाला है। देखिए, पर जो भी है, जिस भी काम में आप लगे हुए हैं, करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गॉड इज़ अबाउट टू शो यू इट वॉज वर्थ वेटिंग, तो भगवान अब आपको ये बताने वाले हैं कि जो आपने इंतज़ार किया है ना एक्चुअली वो कितना फ़ायदेमंद था आपके लिए। गॉड विल डू वट ही प्रोमिस्ड, तो भाई जो उन्होंने प्रोमिस किया है वो देने वाले हैं आपको। ठीक है, यू विल बी द फर्स्ट मल्टी मिलियनर इन योर फैमिली, तो भाई आप जो हैं अपने फैमिली में पहले मल्टी मिलियनर पर्सन होने वाले हैं। इससे पहले शायद किसी के पास इतना पैसा नहीं होगा जितना पैसा आपके पास आने वाला है अब। कमाल की बात है, तीन चार मैसेज एक साथ ही। माई बैंक अकाउंट इज़ ग्रोइंग आवर बाय आवर अंटिल एंड ऑफ माई लाइफ, तो भाई आपका जो बैंक अकाउंट है ना वो अब भरते ही रहने वाला है, उसमें हर वक्त पैसा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, लोग उसमें हर वक्त ना पैसा 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 डालते रहेंगे। स्टॉप वरिंग, गॉड इज़ फेथफुल, तो भाई चिंता करना बंद कर दीजिए, ईश्वर जो है बहुत ज़्यादा फेथफुल है। डाउट मत कीजिए कोई भी कि वो करेगा कि नहीं करेगा, देगा कि नहीं देगा, देने का है भी मन या नहीं है, दे देगा दे देगा। गॉड स्टिल आंसर प्रेयर्स, ओके, गॉड स्टिल आंसर्स, प्रे एंड बिलीव। ठीक है, तो भगवान आंसर देता है, प्रे कीजिए और बिलीव कीजिए, आप बिलीव करेंगे तो चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी, विश्वास कीजिए। द नेक्स्ट ब्लेसिंग विल बी प्रूफ दैट गॉड वॉज विद यू द होल एंटायर टाइम,
तो जो नेक्स्ट ब्लेसिंग आपके जीवन में आने वाली है वो प्रूफ है इस बात का कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में है वो कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है उस पूरे पूरे वक्त में ईश्वर आपके साथ थे, ऐसी कोई एनर्जी आई है। एक मैसेज और लूँगी मैं, फिर बंद कर दूँगी। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू विल बी मूविंग टू योर ड्रीम हाउस सू वेरी सून। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन है आपको, क्योंकि आप अपने जीवन के एक सबसे बेहतरीन हफ्ते में प्रवेश करने वाले हैं। ठीक है, तो बड़ी खुशी की बात है, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, थैंक यू वेरी 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 मच। तो आज के लिए बस इतना ही था, इतनी ही रीडिंग थी। जिसके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको मत लीजिएगा। ठीक है, और आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती होंगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मुझे डोनेशन देना चाहें तो आप मेरे नंबर पर गूगल पे कर सकते हैं और रीडिंग भी बुक कर सकते हैं, पर प्लीज़ ट्राई नॉट टू कॉल, कॉल्स के आंसर्स नहीं दिए जाएंगे, और कोई बार बार कॉल करता है तो वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। बाकी अगर कोई और डिटेल चाहिए होंगी आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, आप वहीं से लीजिए। और पर्सनल बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल रीडिंग्स ली हैं, मैं उनको डिलीवर भी कर चुकी हूँ, काफ़ी टाइम से चल रही हैं वो चीज़ें, उनमें से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी ने भी मुझे कॉल करके परेशान नहीं किया है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट कॉल, ओनली मैसेजेस और मेल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको अच्छी लगी होंगी मेरी रीडिंग, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कल फिर आऊँगी एक और नया मैसेज लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।